नमस्कार, आप सभी का नॉलेज पॉइंट में बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का जवाब सही सही दे पाते हैं। सवाल नंबर 1, बिहार में विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ए औरंगाबाद, बी गया, सी बिहार शरीफ, डी मुजफ्फरपुर। और इसका सही जवाब है बी गया। सवाल नंबर 2, मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलने वाली बिहार की इनमें से कौन सी नदी है? ए सोन, बी महानंदा, सी कोसी, डी पुनपुन। और इसका सही जवाब है डी पुनपुन। सवाल नंबर 3, बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है? ए कलिंग, बी राजपूत, सी मगध, डी मुगल। और इसका सही जवाब है सी मगध। सवाल नंबर 4, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 16, बी 18, सी 19, डी 21। और इसका सही जवाब है बी 18। सवाल नंबर 5, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी, डी मीनार। और इसका सही जवाब है ए मस्जिद। सवाल नंबर 6, डांडी यात्रा के साथ इनमें से क्या शुरू हुआ था? ए होम रूल आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका सही जवाब है सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सवाल नंबर 7, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए फल, बी तना, सी जड़, डी फूल की कली। और इसका सही जवाब है डी फूल की कली। सवाल नंबर 8, बल किसका गुणनफल है? ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। और इसका सही जवाब है बी द्रव्यमान और त्वरण का। सवाल नंबर 9, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 40वां, बी 44वां, सी 53वां, डी 58वां। और इसका सही जवाब है ए 40वां। सवाल नंबर 10, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है सी केरल। सवाल नंबर 11, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ए चीन, बी भारत, सी भूटान, डी नेपाल। और इसका सही जवाब है डी नेपाल। पिछले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उनके नाम है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के सही जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।